कितनी जगहों पर क्या होता है, नौजवान मुतहरिक हो जाते हैं ईद के दिन से पहले, चंदा जमा करने आते हैं, कहते हैं कि हम लोग ईद के दिन का चंदा जमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दीन जज्बे से बोले ईद का चंदा है ये लो भाई, और मिलकर चंदा जमा करते हैं। चंदा जमा करके क्या करते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर सुबह सुबह शुरुआत होती कव्वाली से, और थोड़ी देर बाद कव्वाली थोड़ा एक दो तीन घंटे चली, फिर उसके बाद गाना बजाना शुरू। फी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में खस्फुन व मस्खुन व कदफुन, लोग जमीन में धसाए जाएंगे, चेहरे बदल दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी। ये काम ईद के दिन, जो इस उम्मत का मनाने वाला दिन है, जो अल्लाह ताला हमारे लिए इनाम के तौर पर रखा है, उस दिन ये काम करेंगे, और वो भी ईद मनाने के तौर पर। मेरे भाइयों मेरी बहने, ऐसे चंदों में कोई ताउन नहीं करना चाहिए। कुरान की आयत है सूरह मायदा की दूसरी आयत, वला ताउन अलल इस्मी वल उदवान, गुनाहों और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो, ताउन अलल बिर्री व तक्वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, हमें सिखाया गया है, और गुनाह और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। तो मेरे भाइयों मेरी बहने, इसमें हमें पीछे रहना चाहिए, रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। अक्सर क्या मामला है, ये जो लोग आते हैं ना, जज्बे वाले लोग होते हैं, लेकिन उन्हें मालूमात नहीं होती है। उन्हें अगर पता चल जाए कि देखो कितना बड़ा गुनाह है, तुम पूरे इलाके को गुनाह में मुलव्वस कर रहे हो, इसमें मत पड़ो। और ये हमारे यहाँ ईद मनाने का सिस्टम बताया गया है, हमें ईद कैसे मनाना है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, हमें वैसे ईद मनाना है। ये जो ईद मनाने के दूसरे तरीके लोग निकालते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरे मजहबों की मुशाबहत इख्तियार करना, ये कोई जरूरत नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से है, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ईद का दिन अल्लाह के इनाम का दिन है, हमने पूरा महीना रोजा रखा, अब हमें क्या होना चाहिए? पता है आपको कि कोई भी नेकी करो तो नेकी करने के आखिरी हिस्से में अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अल्लाह से कबूलियत की दुआएं करनी चाहिए।